खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडी टुडे न्यूज। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद बेगम बाजार मर्डर केस के बाद यादव समाज और माली समाज परिवार में हो रहे तनावों के बारे में मीडिया को तफसीलात बताई। आपको याद दिला दें नाजरीन, कुछ दिन कबल शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन हुदूद बेगम बाजार मछली मार्केट के पास आरएस इंटरप्राइजेस की प्लास्टिक की दुकान में 4-5 अफराद ने मिलकर नीरज पवार का बेदर्दाना कत्ल कर दिया था। उसी मामले को लेकर दोनों समाजों के बीच बेइंतहा नफरत फैली हुई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस मामले के बारे में तफसीलात बताई। सुनते हैं मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बेगम बाजार के फिश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, वेस्ट जोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज थे उनको चेज करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। वो दिन से अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है और जो हम समझ सकते हैं होगा, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर शांति और अमन से रह रहे हैं पर ये एक ऐसी हत्या होने से इनके बीच जो संबंध है वो ज़रा ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ वो घर पर गया, वो जो जिसके घर में हत्या हुई थी उनको समझाया हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनसे वो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम गए थे। और यहाँ पर ये दोनों समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हमने मीटिंग की और उनको बहुत ही कठिन रूप से हिदायत दी गई है कि आप आगे चल के अपने अपने बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं आपके घरों में, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं। घर के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये सब किसी को मालूम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम उनको समझाया है कि ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आगे चल के यहाँ पर कुछ भी होने की ज़रूरत की का अवसर हम नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत सख्ती से हम पेश आने वाले हैं आगे चल के, और ये केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दी गई है। हम हाई कोर्ट में मिलेंगे सीनियर जजेस से और यहाँ पर MSJ साहब से भी हम मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो भी इसमें अक्यूज़ हैं। यहाँ पर जो अरे गहरे बच्चे हैं आवारे जैसा घूमते रहते हैं उन पर आज से कड़ी नज़र रहेगी। यहाँ पर जो भी इलीगल बिजनेस हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रहेगी और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम पूरी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस, वेस्ट जोन, शाहनाजगंज, अफजलगंज पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश आज से शुरू होगी।